आईपीएल 2021 का 19वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों में ओपनर्स द्वारा शानदार शुरुआत रहा। रुद्राज गायकवाड़ शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बौछार किए। वे 25 गेंदों में 33 रन बनाकर युजवेंद्र चाहल की गेंदबाजी में जामीसन को कैच देकर आउट हुए और फाफ डुप्लेसी शानदार बल्लेबाजी करके अच्छी पारी खेले। वे अपना अर्धशतक पूरा किए और 41 गेंदों में 50 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में डैन क्रिस्टन को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे सुरेश रैना शानदार शुरुआत देकर छक्के पे छक्का लगाए। वे 18 गेंदों में 133.33 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका और 3 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में देवदत्त पाडिकल को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे अंबाटी रायडू अच्छा खेल रहे थे और वे 7 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका और एक छक्के की मदद से 14 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में जामीसन को कैच देकर आउट हुए। फाफ डुप्लेसिस के बाद उतरे रविंद्र जडेजा जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किए और वे 28 गेंदों में 62 रन बनाकर अजय रहे। उन्होंने रायडू और धोनी के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। रायडू के बाद आखिरी ओवर में उतरे कप्तान एमएस धोनी 2 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए। आरसीबी की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज द्वारा शुरुआत किया गया। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन दिए और जामीसन 3 ओवर में 10.33 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन दिए। वही युजवेंद्र चाहल अच्छी गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 1 विकेट चटकाए। उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ का विकेट लिया। नवदीप सैनी 2 ओवर में 13.50 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन दिए। हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 3 विकेट चटकाकर 51 रन देकर एक्सपेंसिव रहे। डैन क्रिस्टन 2 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 12 रन दिए और वाशिंगटन सुंदर 2 ओवर में 6.50 इकोनॉमी रेट के साथ 13 रन दिए। रविंद्र जडेजा जबरदस्त बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बरसात किए। वे इनिंग्स के आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की पहली 4 गेंदों में लगातार 4 छक्के जड़े और एक छक्का और चौके के साथ सीएसके के इनिंग्स को शानदार तरीके से समाप्त किए। जडेजा शून्य पर ही सुंदर की गेंदबाजी में पाडिकल को कैच देकर आउट होने वाले थे, लेकिन उनका किस्मत उनका साथ दिया और वे अंत तक 28 गेंदों में 221.43 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 62 रन बनाकर अजय रह के अपना अर्धशतक पूरा किए और यह उनका दूसरा आईपीएल अर्धशतक है। फाफ डुप्लेसिस पिछले मैच में जबरदस्त खेले थे और इस मैच में भी उसी फॉर्म को बरकरार रख के शानदार खेल खेलकर लगातार दूसरा अर्धशतक बनाए और यह उनके लिए 18वां आईपीएल अर्धशतक है। वे पहले रुतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर 74 रनों की साझेदारी बनाए और फिर सुरेश रैना के साथ 37 रनों की साझेदारी बनाए। वे 41 गेंदों में 121.95 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में डैन क्रिस्टन को कैच देकर आउट हुए। पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल इस मैच में भी विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन दिए। वे लगातार स्लो गेंदों में सुरेश रैना और डुप्लेसिस को आउट करके सीएसके को पीछे रखने में सफल रहे और उनके खाते में रायडू का भी विकेट है और अंत तक वे अपने 4 ओवर में 12.75 इकोनॉमी रेट के साथ 51 रन देकर 3 विकेट लिए। वे केवल उनके आखिरी ओवर में 37 रन दे दिए और यही उनको बहुत भारी पड़ गया। रुतुराज गायकवाड़ पिछले मैच में शानदार पारी खेले थे और उसी फॉर्म को बरकरार रख के इस मैच में भी शानदार बल्लेबाजी किए। वे अपने तेज बल्लेबाजी से करारे शॉट लगाकर फाफ डुप्लेसिस के साथ 74 रनों की साझेदारी बनाए
और वे 25 गेंदों में 132 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाकर युजवेंद्र चाहल की गेंदबाजी में जामीसन को कैच देकर आउट हुए। 192 रनों का भारी लक्ष्य का पीछा करने उतरे आरसीबी के बल्लेबाजों का खराब शुरुआत रहा। कप्तान विराट कोहली केवल 8 रन बनाकर सैम करन की गेंदबाजी में एमएस धोनी को कैच देकर आउट हुए और देवदत्त पाड़ीकल शानदार बल्लेबाजी करके 15 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में सुरेश रैना को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे वाशिंगटन सुंदर ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाए। वे केवल 7 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ को कैच देकर आउट हुए। देवदत्त पाड़ीकल के बाद उतरे मैक्सवेल अच्छा खेल रहे थे और वे 15 गेंदों में 3 चौके की मदद से 22 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। पांचवी स्थान पर उतरे एवी डेविलियर्स केवल 4 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे डैन क्रिस्टियन केवल 1 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में रन आउट हुए। सातवें स्थान पर उतरे जामीसन 13 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाकर इमरान ताहिर द्वारा रन आउट हुए। आठवीं स्थान पर उतरे हर्षल पटेल बिना कोई रन बनाए इमरान ताहिर की गेंदबाजी में 8वें स्थान पर उतरे हर्षल पटेल बिना कोई रन बनाए इमरान ताहिर की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। पटेल के बाद उतरे नवदीप सैनी भी केवल 2 रन बनाकर इमरान ताहिर की गेंदबाजी में सुरेश रैना को कैच देकर आउट हुए। 9वें स्थान पर उतरे युजवेंद्र चाहल 8 रन बनाकर अजय रहे और मोहम्मद सिराज अच्छी बल्लेबाजी करके 14 गेंदों में 85.71 स्ट्राइक रेट के साथ 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 69 रनों से जीत हासिल किए और इसी जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में पहली स्थान पर पहुंच गए और इस सीजन में आरसीबी का ये पहली हार है। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी दीपक चाहर द्वारा शुरू किया गया। दीपक चाहर अपने 2 ओवर में 12.50 इकोनॉमी रेट के साथ 25 रन दिए। वही सैम करन अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8.75 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन देकर 1 विकेट चटकाए। उन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया। शार्दुल ठाकुर भी अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 2.75 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 11 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने देवदत्त पाड़ीकल का विकेट लिया। रविंद्र जडेजा जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए और इमरान ताहिर भी शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए। ये दोनों स्पिनर्स कमाल का प्रदर्शन दिखाए। ब्रेवो 2 ओवर में 9.50 इकोनॉमी रेट के साथ 19 रन दिए। रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी तो कमाल का किए ही साथ ही गेंदबाजी और फील्डिंग में भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाए। उनके शिकार बने वाशिंगटन सुंदर जो कि कैच आउट हुए, वही मैक्सवेल और एविडेविलियर्स को क्लीन बोल्ड करे और साथ ही डैन क्रिस्टियन को रन आउट किए। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से आरसीबी की बल्लेबाजों के नाक पर दम कर दिए। उन्होंने अपने 4 ओवर में 3.15 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इमरान ताहिर भी शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 4 इकोनॉमी रेट के साथ 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने हर्षल पटेल जिनको उन्होंने क्लीन बोल्ड कर आउट किया और दूसरा विकेट नवदीप सैनी को उन्होंने कैच आउट किया। साथ ही उन्होंने जामीसन को रन आउट किए। देवदत्त पाड़ीकल शानदार बल्लेबाजी करके 15 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में सुरेश रैना को कैच देकर आउट हुए। वे विराट कोहली के साथ 44 रनों की साझेदारी बनाए। ग्लेन मैक्सवेल अच्छी बल्लेबाजी करके 15 गेंदों में 146.67 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 22 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए।